हेलो स्टूडेंट्स लेट सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज हाउ कैन यू इंडिकेट दैट अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बाय एडिंग एक्स्ट्रा इफॉर्मेश इन द केमिकल इक्वेशन तो सबसे पहले तो कोई ये केमिकल इक्वेशन में क्या हमें एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का पता चलता है नहीं पता चलता है एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज इवोल्व हीट इज इवोल्व्ड यानी हीट हमें मिला है फ्रॉम द रिएक्शन सो लिख लेते हैं हीट इज इवॉल्व्ड आफ्टर द रिएक्शन रिएक्शन होने के बाद हमें हीट मिला है तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं देखो सोडियम के साथ अगर एच का रिएक्शन होता है ठीक है मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हो रहा है आपको मिलेगा सॉल्ट सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा एन एच टू और साथ ही साथ काफ़ी सारा हीट ठीक है तो उस हीट को आप कैसे लिखोगे हीट प्रोड्यूस हुआ है यानी प्रोडक्ट साइड में ही लिखोगे तो प्लस देखिए हीट यहाँ पर लिख लो कोई नहीं मतलब बनता है अगर आप रिएक्टेंट साइड में लिखते हो अगर आप रिएक्टेंट साइड में लिखते हो अगर दिस इज द केस तो इसका मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है राइट right? तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा ये एग्जोथमिक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं इन क्वेश्चन सो दिस इज नॉट द केस आपको हीट कैसे लिखना है इसी साइड में प्रोडक्ट साइड में प्लस दिखे लिख लेना है सो वेर इज द आंसर योर आंसर इज इन द बी ऑप्शन आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच